हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरलॉक मशीन में धागा कैसे डालते हैं। तो ये नया मशीन मैंने रिसेंटली ख़रीदा है और इसमें अलग अलग ब्रांड्स के मशीन्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप नोवेल की मशीन ले सकते हो, वो 8,500 में आपको मिल जाएंगी। और उससे भी कम हो तो आप राज कंपनी के ले सकते हो, वो 7,500 की मिल जाएंगी। और ये जो मशीन है ये हेवी ड्यूटी वाली है और इसकी जो कीमत है वो है 10,500। तो आपको करीबन 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये उसका जो टेबल होता है वो आप अपनी चॉइस का लगा सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में धागा कैसे डालते हैं आसानी से ये तरीका बताऊँगी। YouTube पर बहुत से वीडियो है पर आपको पॉज कर कर के देखने पड़ेंगे और रीप्ले भी करने पड़ेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। पर इस वीडियो में मैंने इतनी प्रॉपर तरीके से बताया है आपको कि आपको वीडियो रीप्ले नहीं करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली इस वीडियो में दी है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो इसमें जो धागे लगते हैं वो कोन जैसे धागे होते हैं, वो आप होलसेल मार्केट से लाना। आपको 3 धागे करीबन 165 तक मिल जाएंगे, पर अगर आप स्टेशनरी शॉप से लेते हो तो 1 ही धागा 165 में आपको मिलेगा। तो कोन जैसे जो धागे होते हैं वो आपको लेने हैं। पर अभी इस मशीन के साथ उन्होंने मुझे सादे धागे दिए हैं, तो मुझे कोन वाले धागे लाने हैं। तो मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेशन जो नॉर्मल धागे होते हैं उससे बता रही हूँ। अगर आपके पास कोन के धागे हो तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके साथ एक्सेसरीज़ में आपको ये बॉक्स मिलेगा और इसके अंदर आपको ये चिमटी मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना धागे तो आपके नहीं डल पाएंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और स्क्रू ड्राइवर्स इसके साथ आते हैं। तो धागा डालने के लिए आपको पहले धागा लेना है। मैं पूरे 3 धागे आपको नहीं दिखा रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक बाय एक लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहला धागा राइट साइड में डाला है। और इसके ऊपर आपको ऐसा अटकाना है और ये स्टैंड उस साइड से आप रखिए ताकि मशीन को ये टच ना कर पाए। अब धागे में काफ़ी रेशे होते हैं तो आपको धागा कैंची से थोड़ा कट कर लेना है ताकि आसानी से हम इसे छेद में डाल सके। अभी ये वाला जो छेद दिख रहा है आपको इस साइड का, उसके अंदर ये धागा डालना है। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से मैंने बताया है इसे। अब बारी आती है इस थ्रेड को इस होल में डालने की। अगर आपका धागा जाता नहीं है तो आप चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो व्हील है ये थोड़ा आगे खींचने से आगे की तरफ हो जाता है, तो इसके अंदर आपको ये धागा लेना है। तो अंदर से हमने धागा लिया है और इसके बाद ये जो पैनल है जिसमें ब्रांड नेम लिखा है उस पैनल को आपको बाहर निकालना है इस तरह से। अब ये पैनल की अंदर की साइड है। हर मशीन का मैकेनिज्म सेम ही है, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस हो सकता है पर आप समझ जाओगे। अब यहाँ से आपको धागा निकालना है।
तो काफ़ी जूम करके मैंने दिखाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसा हमने धागा निकाला है यहाँ से। अब आप अंदर की सेक्शन भी देख लीजिए इसके। तो इसमें आपको 1, 2, 3 पोर्ट्स दिख रहे हैं जहाँ से आप धागा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको धागे को ये जो पीछे वाला पोर्ट है उसके अंदर से धागे को लेना है ऊपर की तरफ, इस तरह से। और ये जो ऊपर जो पोर्ट मिला है उसके अंदर आपको धागा डालना है, धागे को सामने की तरफ करके ऐसा डालना है। अभी यहाँ पर आपको धागा अटकाना है, नीचे से लेके ऊपर तक। थोड़ा सा धागा खींच लीजिए आप। अब ये ऊपर का सेक्शन है और ये व्हील है, आपको थोड़ा सा घुमाना है। तो ये व्हील थोड़ा सा आप घुमाते हो तो ये साइड की जो सुई है वो आप देख पाओगे। तो आप देख सकते हो ये साइड की सुई जो है वो आगे पीछे जा रही है। तो ये धागा हमको इस सुई में डालना है। तो इस सुई को हम और आगे की तरफ लेते हैं। तो इस साइड में आप व्हील को घुमाते रहिए और ये सुई आपको इस डायरेक्शन में लानी है। जैसे व्हील को घुमाते हो आप यहाँ से ये सुई देख सकते हो। तो इस सुई में 2 छेद है, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। तो पहले हमें इस सुई में, अगर आपके पास सुई डालने का ऐसा थ्रेडर है, धागा डालने का ऐसा थ्रेडर है, तो वो आप शॉप से ला सकते हो। ये बस 10 रुपये में आपको मिल जाता है। तो हमने इस थ्रेडर को, ये एक्सेसरीज़ में नहीं आएगा, आपको शॉप से लाना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं भी है तो भी मैं आपको बताऊंगी धागा कैसे डालते हैं। तो इसको अंदर से हमने डाला था और धागा पीछे के साइड से आगे खींचा था। सपोज़ आपके पास ये चीज़ नहीं है और आपको धागा पीछे की तरफ से बाहर निकालना है तो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पीछे की तरफ तो हमारा हाथ नहीं जा सकता है, पर इस मशीन में पीछे की तरफ आपको धागे को आगे की तरफ लाना है सुई से। तो पहले हम आगे की तरफ से सुई में धागा डाल देते हैं। आप चिमटी का इस्तेमाल करें और आगे की तरफ सुई में धागा डाल दीजिए। तो देखिए हमने आगे की तरफ सुई में धागा डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी गांठ लगानी है। आगे की तरफ से हमने धागा डाला है पीछे की तरफ, जैसे हम नॉर्मल सुई में धागा डालते हैं। अब हम छोटी सी गांठ लगा देंगे। तो नॉर्मल जो गांठ आप धागे को लगाते हैं वैसे ही गांठ आपको लगानी है। तो गांठ लग गई है यहाँ पर। अब ये गांठ लगने के बाद आपको ये 2 धागे दिखेंगे ऊपर की तरफ। तो आपको जो लेफ्ट साइड का धागा होता है, गांठ लगाने के बाद जो लेफ्ट साइड का धागा होता है, उस धागे को आपको कट करना है। तो ये लेफ़्ट साइड का जो धागा है, गांठ हमारी नीचे है और लेफ़्ट साइड का जो धागा है उसे हमें कट करना है। ये कट करने के बाद आपको ये जो धागा है वो आगे की तरफ खींच लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा धागा है हमने पीछे से आगे की तरफ़
सुई में डाला है। तो ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है इस मशीन में, जब भी आपको पीछे की तरफ से आगे की तरफ धागा डालना हो। और नीचे वाला जो गार्ड का पार्ट होता है वो आप कट कर सकते हो। अब हमें इस धागे को आगे से पीछे डालना है, इस छेद में जो ऊपर वाला छेद है उसमें आगे से पीछे डालना है। तो नॉर्मल तरीके से हम डालेंगे। अभी हम धागे की टॉप को थोड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी रेशे आते हैं धागे में, इसलिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। और इस तरह से आप सुई के आगे के छेद में ये धागा डाल दीजिए और चिमटी से ये धागा खींच लीजिए। इंटरलॉक मशीन में आपको बार बार धागे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया है। अब ये वाला जो पैनल है ये भी हमें खोलना पड़ता है। तो हम इसे थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा अप लेके थोड़ा पुश करना है, तो ये पैनल हमारा निकल जाता है। तो पहला धागा हमारा डल चुका है, अब हम दूसरा धागा डालेंगे। तो दूसरा धागा हम यहाँ से डालेंगे। अब यहाँ पर आपको धागा अटकाना है। अब ये जो पैनल हमने खोला था उसके पीछे आपको एक छेद दिख रहा होगा, तो इस छेद के अंदर हमको ये धागा डालना है। और अंदर से धागे को खींच लेना है। अब धागा अंदर से तरफ खींच लेने के बाद आपको अंदर की तरफ देखना है। आपको ये एक छेद दिखेगा यहाँ पे, इस छेद के अंदर से आपको बाहर की तरफ धागा निकालना है। तो मैं आपको और जूम करके बताती हूँ। हमने अंदर की तरफ धागा लिया था, अब इस छेद से हम ये धागे को बाहर निकालते हैं। अब ये जो रिल है इसके अंदर से आपको धागा लेना है। जैसे मैंने बताया था, ये रिल का जो धागा होता है सेक्शन होता है वो आप थोड़ा खोल भी सकते हो। तो यहाँ से हमने धागा ले लिया है। अभी नेक्स्ट चीज़ है, जहाँ पे मैंने आपको ये चिमटी से दिखाया है कि ये जो काला कलर का लंबा सेक्शन है उसमें, यहाँ से ये स्टार्ट होता है ये लंबा सेक्शन। तो ये लंबे सेक्शन में यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको धागा डाल के यहाँ से निकालना है। तो इतने लंबे सेक्शन में धागा आप कैसे डालोगे वो चिमटी की सहायता से, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डालते। इस धागे को ऐसा इंसर्ट करते रहना है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो जैसे आप चिमटी से इस धागे को इंसर्ट करते रहोगे तो अपोजिट साइड से ये धागा इस तरह से निकल जाता है। तो आप देखिए इस साइड से निकल गया है। और अगर धागा कहीं लेफ्ट में अटकता है तो आप निकाल लीजिए उसको। तो वहाँ पे एक छेद था, वहाँ से धागा डाला हमने और इस साइड से हमने यहाँ से डाला और यहाँ से धागा निकाल लिया। अब आप ये सेक्शन देखिए, यहाँ से आपको धागा निकालना है। ये वाले सेक्शन के अंदर से आपको धागा निकालना है।
और उसके अंदर आपको ये एक पोर्ट दिखेगा छोटा सा, जहाँ पे मैंने चिमटी दिखाई, आप देख सकते हो। इसके अंदर से आपको धागा निकालना है, तो चिमटी की मदद से हम ये करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक सुई दिख रही होगी, तो सुई में दो धागे हैं, दो छेद है इसमें। तो पहले हम नीचे वाला जो छेद है उसमें से धागा डालते हैं। तो हमने धागा डाल दिया है। अब सुई के इस साइड से आपको ऊपर वाले छेद में धागा डालना है, पीछे की तरफ, और चिमटी से धागा पीछे की तरफ खींच लेना है। और ये पहला वाला भी जो धागा ज़्यादा बड़ा है उसको भी थोड़ा काट लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसके जो कवर्स हमने खोले थे वो बंद कर देंगे। तो ये पैनल बंद कर दिया है, अब सेकेंड वाला जो पैनल है उसे भी हम बंद करेंगे। तो इसको आपको सही तरह से बंद करना है, इस तरह से बंद नहीं करना है। किस तरह से बंद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब डालते हैं लास्ट वाला थ्रेड, ये पीछे की तरफ रहता है। लास्ट वाला थ्रेड डालने के बाद अब आपको ये जो धागा है यहाँ से निकालना है। ये छेद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ से धागा निकालना है। और ये जो रील है इसके अंदर से आपको धागा लेना है। तो ये रील को अगर आप ऊपर की तरफ खींचते हो तो वो थोड़ी ओपन हो जाती है, तो धागा इसमें आसानी से निकल जाएगा, आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है रील। धागा इसके अंदर से आपको फंसाना है इस साइड से। ये फंसाने के बाद यहाँ से आपको धागा निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये पीछे वाला आपको छेद दिख रहा है, वहाँ से आपको धागा निकालना है। तो ये धागा आपको पीछे की तरफ से आगे निकालना है। तो इसका टेक्निक जो मैंने पहले बताया था कैसे करते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको आगे की तरफ से पीछे की तरफ धागा निकालना है। तो हम चिमटी की मदद से ये धागा निकाल लेंगे। अब हम इस धागे को गांठ मारेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हम गांठ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये जो धागा है हमको छेद के पीछे की तरफ से आगे की तरफ खींचना है। अब जो लेफ्ट साइड का धागा होता है उसको आपको काटना है। तो पहले हम ये गांठ सही से लगा लेते हैं। अभी जो लेफ्ट साइड का धागा है उसको हम कट करते हैं।
और ये धागे को हम आगे की तरफ खींचते हैं। तो ये टेक्निक से हम धागा पीछे की तरफ से आगे की तरफ छेद में डाल सकते हैं। अब इसके आगे आपको एक छेद दिखेगा, उसमें से ये धागा निकलना है। अब ऊपर से आपको धागा निकालना है। अब यहाँ पे एक व्हील दिख रहा होगा, उस व्हील को व्हील के अंदर से आपको इस तरह से धागा लेना है, लेफ्ट साइड से धागा लेना है। और एक खुंटी दिख रही है, उसके ऊपर से आपको ये धागा लेना है इस तरह से। अब व्हील को थोड़ा घुमाना है। व्हील को जैसे आप घुमाते हो आपको सुई दिखाई देंगी, तो सुई में आपको धागा आगे की तरफ से डाल के पीछे से निकालना है। तो सुई में हम धागा डाल देंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो ये बारीक सी सुई आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर से आपको ये धागा डालना है। धागे को चिमटी में पकड़ के डालिए, क्योंकि धागा फिर स्टिफ रहता है, नहीं तो हाथ से धागा थोड़ा सा हिल जाता है। अभी पीछे की तरफ हमने धागा निकाल लिया है, तो अब हमारे सारे धागे डल चुके हैं। अब हम सीखेंगे मशीन कैसे चलाते हैं। अब ये तीनों धागे अंदर डालने के बाद आपको ये मशीन का जो व्हील है वो, अगर आप लेफ़्ट में घुमाते हो तो नॉर्मल सुइंग मशीन में हम घुमाते हैं, तो इंटरलॉक मशीन में होता है कि आपको ये व्हील राइट के तरफ घुमाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो फुट होता है जैसे नॉर्मल मशीन में होता है, उसको आप ऊपर की तरफ ले जाते हो तो यहाँ से ये खुल जाता है। अभी इस तरह से बंद भी कर लेंगे, पैनल सही से पैनल बंद होना चाहिए। अब पीछे का फुट हमने ऊपर किया था, इसमें हमने कपड़ा फंसा दिया है। अब फुट को नीचे भी कर लिया है पीछे के, जैसे हम सिलाई मशीन में कपड़ा डालने के बाद फुट को ऊपर नीचे करते हैं। अभी धागे को आप ये जो व्हील है उसको आपको पीछे की तरफ थोड़ा घुमाना है, क्योंकि इंटरलॉक में पीछे की तरफ व्हील को घुमाते हैं। और जिस डायरेक्शन में आपका नीचे का पैडल जाता है उस डायरेक्शन में आपको मशीन चलानी है। अभी ये धागे को बहुत राइट की तरफ आपको नहीं, कपड़े को राइट की तरफ आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि इसमें कपड़ा कटता है। इस लेवल से आपको सिलना है। तो आपका इंटरलॉक बन गया है, इसमें धागा कटता, कपड़ा कटता है, तो ध्यान से आपको सिलना है।